अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें से हमने क्या करना है, एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास तीन, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया 3x, जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और फिर हमारे पास 3z आ जाएगा और 3w आ जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सॉल्व हो गया है। दूसरा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का आपस में ऐड करना है क्योंकि दरमियान में हमारे पास पहला एलिमेंट है, इस पहले एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 6 आ जाएगा। ये हमारे पास पहला है तो इस के साथ ऐड करेंगे। ये हमारे पास दूसरे रो का पहले एलिमेंट है तो इधर हमारे पास दूसरे रो का पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारे पास 2w प्लस 3 आ जाएगा, 2w प्लस 3 आ गया है। मज़ीद इसे अगर हम सॉल्व करें तो अब हमारे पास ये जो 3x है ये हम x प्लस 4 के इक्वल टू ले लेंगे तो 3x बराबर है x प्लस 4। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि इन x को एक साइड पे लेके आएंगे तो 3x, जब ये x इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास होगा वो 3x से 1x अगर माइनस करें तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दोनों साइडों को 2 पर डिवाइड करने से 2 के साथ कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3y बराबर होगा, हमारे पास 3y बराबर हैं x प्लस वाई प्लस 6 के, x प्लस वाई प्लस 6 के। इसका जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि y इधर प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई बराबर होगा x प्लस 6 के। दोस्तों हमारे पास 3y से 1y मनफी करें तो 2y हो जाएगा, और इधर हम x की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो 2x की वैल्यू है तो 2 जमा 6 8 आ जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों दोनों साइड पे 2 पर डिवाइड करने से 2 के साथ कैंसिल, 4 दूनी 8, तो हमारे पास y की जो कीमत आ जाएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3z, तो 3z हमारे पास बराबर है मनफी 1 प्लस 3 प्लस w के, तो इन z बराबर है माइनस 1 और प्लस 3 से हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस w आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन रह जाएगा क्योंकि हमारे पास w की वैल्यू फाइंड नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा है वो हमारे पास क्या है, 3w, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के, 2w प्लस 3 के। अब हमारे पास दोस्तों 2w जब इस साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास 3w मनफी 2w बराबर है 3 के, तो 3w से हमारे पास जब 2w मनफी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1w रह जाएगा, तो w के वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस w के वैल्यू हम पुट करेंगे इस पुट इन 1, जो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास 3z बराबर आ जाएगा, 2 प्लस w की वैल्यू 3 है, तो इधर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर लेंगे, तो 3z बराबर है 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितने के इक्वल आ जाएगा, 5 के, तो 3z बराबर है 5 के। दोनों साइडों को 3 पर डिवाइड करने से तो 3 के साथ कैंसिल, तो जो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी वो 5/3 आ जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।